हमें जो कुछ भी नहीं मिलता है उसके वजह से हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग खुश नहीं है। पर बात ये है, जिसके पास बेशुमार दौलत है वो यही कहेगा कि पैसा आपके पास खुशी नहीं ला सकती। अपने खुशी को ढूंढने के लिए आपको पहले उन सारी चीजों से अपना खुशी ढूंढना होगा जो आपके पास पहले से ही है। पर कभी भी सेटल मत कर जाना उसके साथ जो आप बाकी में पा सकते हो। आप अगर उससे खुश हो जो आपके पास है, तो फिर आप उससे ज्यादा कुछ जरूर पाओगे। कई हद तक ये अनफेयर लगता है, पर भगवत गीता में ये बात कही गई है, उससे ज्यादा मिलता है जिसके पास बाकी में ज्यादा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जो कुछ भी होता है उससे वो छीन लिया जाता है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप अगर जीवन में किसी भी जगह पर हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो फिर आपके कोशिश एक समय के बाद जरूर काम करने लगेगा। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे आप उतना ही ज्यादा जीवन में ग्रो करती जाओगे। और ये बात बिल्कुल सच है। आप दुनिया के जितने भी सफल इंसान की तरफ देखोगे तो फिर यही दिखाई देगा कि वो सफल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अपना समय का बिल्कुल ही सही तरीके से इस्तेमाल किए हैं। वो सफल इसलिए ही बने हैं क्योंकि वो बस जीवन भर सीखते जाते हैं। वो लोग हर रोज कुछ नया सीखने के लिए कमिट कर चुके हैं। हर कामयाब इंसान में एक बात बहुत ही कॉमन है और वो ये है कि वो सीखना बंद नहीं करते हैं। हम लोगों के पास बस एक छोटी सी जिंदगी है और ज्यादातर लोग इस जीवन की छोटी सी समय को ही सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर आपको याद रखना होगा, आपको अपने जीवन का हर एक लम्हे को सही से इस्तेमाल करना होगा। हमें हमेशा से प्रोडक्टिव बनना होगा और उन सारे कामों को करना होगा जो हम एंजॉय करते हैं। हमें उन सारे चीजों को ज्यादा से ज्यादा करने में गौर करना होगा जो हम करना चाहते हैं। मीनिंगलेस चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय उस समय को अच्छा कुछ सीखने में इस्तेमाल करो। आपके हर एक पल कीमती है और अगर वो चले जाए तो फिर वो वापस कभी भी नहीं आएगा। उस समय के अंदर आप जितना हो सके उतना सीखते जाओ। ज्यादातर लोग अपने सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग तो अपना पहला टेस्ट में ही इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा से यही रहता है कि वो हार जाएंगे। उनके खुद के अंदर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहता और एक बार जब उनके बिलीव मर जाता है उनके सपने भी मर जाते हैं। आपके अगर सच में कोई सपने हैं तो फिर आपको वो सब कुछ जरूर करना होगा जो आपके सपनों को वास्तव का रूप दे सके। इससे वाकई में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार फेल होते हो। अपने ऊपर विश्वास करना बंद मत कर देना। आपकी जीवन एक बहुत बड़ी टेस्ट है। कभी कभार आप जरूर फेल हो सकते हो, पर आप हारे हुए इंसान तब बनेंगे जब आप कोशिश करना ही बंद कर देंगे।